7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर लॉकडाउन में रहने के बाद अब हमें मिली है आज़ादी। मैंने सोचा क्यों ना इसका बहुत फ़ायदा उठाया जाए और आपको भी करवाए जाए मज़े शॉपिंग के। तो फिर हम करते हैं आगाज़ अपनी शॉपिंग का, और साथ साथ में आपको लेके जाऊंगी मुख्तलिफ शॉप्स पे और हम वहाँ की चीज़ें भी देखेंगे, आखिर में हम लंच भी करेंगे। और इस पूरी वीडियो में आप हमारे साथ रहिएगा ताकि मैं आपको मज़े मज़े की खाने भी खिला सकूं और ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें, ज्वेलरी, पर्ल, डायमंड्स की डिफरेंट किस्म के कैटेगरीज की जो चीज़ें हैं वो भी दिखा सकूँ। हम आज आए हुए थे जर्मनी के बहुत ही खूबसूरत मॉल के अंदर, जो बहुत खूबसूरत है। उसकी डेकोरेशन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की हुई थी। चूँकि अभी ताज़ा लॉकडाउन खुला था तो लोगों का खासा रश था, लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद थे, लेकिन ज़्यादातर लोग विंडो शॉपिंग करने के लिए आए थे। यहाँ पर भी हालात पहले जैसे नहीं रहे, एहतियात अपनी जगह है, लेकिन फाइनेंशली तौर पर भी थोड़ा सा फ़र्क सबको पड़ा है यहाँ पर भी। चूँकि काफ़ी देर लॉकडाउन के बाद ये लोग बाहर निकले हैं तो इस चीज़ को वो बहुत इंजॉय कर रहे थे। अक्सर लोग अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ बैठे थे, कुछ जस्ट अकेले आए थे और कैफ़े पी के चले जाएंगे, कुछ लंच करेंगे, तो काफ़ी रौनक थी। आम हालात की निस्बत काफ़ी ठीक माहौल था। वैसे भी यहाँ पर जो वबा थी उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल है, लोग अब काफ़ी हद तक बाहर निकल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कैफ़े भी काफ़ी हद तक खुल चुके हैं अब तक, तो लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं आफ्टर लॉकडाउन, यानी कि वो जो अपनी पुरानी यादें थी उनको ताज़ा कर रहे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं ख़वातीन के जो मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा जो हमारी हॉबी है वो शॉपिंग, वो भी अगर ज्वेलरी हो, ऊपर से वो पर्ल हो, ओरिजिनल हो, तो क्या बात है। तो ये जो ज्वेलरी थी ये पर्ल में थी और डायमंड में थी, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो थी ही, लेकिन उतनी ही ज़्यादा बहुत महंगी भी थी। सो हमने सोचा कि सिर्फ इसको देख के गुजारा कर लिया जाए तो बेहतर है, इसलिए कि इसके एक एक ब्रेसलेट की और एक एक रिंग की कीमत थी 700-800 यूरो में थी। तो इस पे हमने यही सोचा कि बेहतर है इसको देख के ही खुशी मना ली जाए या खुश हो लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन चीज़ें बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल ओरिजिनल डायमंड्स थे, ओरिजिनल पर्ल्स थे, लेकिन कीमत वाकई बहुत ज़्यादा थी। चलें आप भी विंडो शॉपिंग के मज़े लीजिए और ख़ूबसूरत किस्म की जो रिंग्स हैं, जो ओरिजिनली डायमंड्स हैं, पर्ल्स हैं, आप उनको देखें कि वो कितनी ज़बरदस्त, कितनी ग्रेस है उनमें, और बस कुछ देख के खुश हो जाएं। यहाँ पे जो हमें ब्रेसलेट नज़र आ रहे हैं और इनके ऊपर जो डायमंड्स लगे हुए हैं, और एक के की कीमत तो 650 और एक की तो 1400, इस तरह से इनकी प्राइजेज हैं। और ये एक्चुअली ये डायमंड्स हैं, कोई वाइट गोल्ड है, कोई येलो गोल्ड है, और उसके अंदर डायमंड्स को लगाया गया है। तो चले वो तो चलो बात जो होगी होगी, चलें अब खाने की बात करते हैं। खाने के बगैर तो हमारा बिल्कुल गुजारा नहीं है, और वो भी अगर हम लॉकडाउन के बाद कहीं जाएँ तो हक बनता है हमारा। तो यहाँ पे काफ़ी ताज़ा मछली वगैरह थी, वो जो हमने कहा चलें इसकी भी शॉपिंग थोड़ी सी कर लें, यानी कि घर के लिए थोड़ी सी फ्रेश फ़िश ले लें। उसके साथ साथ इसके बाद हम जाएंगे लंच के लिए। लंच में बहुत मज़े की चीज़ें थी। ये एक वहाँ पे शॉप थी जो हलाल थी, तो जो ऑनर था वो तुर्किश था, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी खानों की। तो हम तो हमें तो बहुत ही खुशबू यानी कि आ रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम जल्दी से पहले लंच कर लें, उसके बाद बाकी शॉपिंग बाद में करेंगे। यहाँ पे ऑलिव्स की इतनी वैरायटी थी और इतने मज़े के ऑलिव्स थे, और इसके साथ साथ वहाँ पे मिर्चें थी जिनके अंदर चीज़ को डाला गया था, बहुत ही मज़े का था। और उसके अंदर ये सी फूड है जिसका, जिसे हम अचार की तरह उन्होंने जो सी फूड है उसको बनाया था, यानी कि उसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा था, जैसे हम अचार खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा, लेकिन बहुत टेस्टी था। ये सारी चीज़ें थी। खैर हमने अपनी हमने तो खैर ऑर्डर किए थे शवारमे, ऑर्डर किए थे, साथ में फ़िश ऑर्डर की थी, जो जो भी चीज़ें थी खैर हमने हमें जल्दी से ही मिल गई थी वहाँ से, और हमने अपना लंच किया और हमें बहुत इन्जॉय किया अपने लंच को।
अब हम चलेंगे अपने वीडियो के इख्तिताम की तरफ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना हर किसी भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।